अरे बहुत दिन हो गया यार, ईशान से कुछ कांटेक्ट भी नहीं हो पाया है। एक बार पूछ के देखता हूँ क्या हाल है उसका। हाँ हेलो, कौन? हेलो मेरे लंगोटिया यार। ओ रोहन, तुम बोल रहे हो? कैसे हो यार, सब हाल चाल ठीक है? मैं तो ठीक हूँ यार, पूछ मत। जब से उस सर ने मुझे सस्पेंड किया है ना, तब से उनसे मैं बदला लेने की सोच रहा हूँ, पर कोई आइडिया नहीं मिल रहा है यार। एक बात बता, तुम बताओ ना क्या करें। हाँ, मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। हाँ समझ आया, कैसा लगा प्लान बताओ। आई लाइक इट। तो बताओ मुझको, इस सवाल का जवाब कौन देगा? सर इसका जवाब मैं दूंगा सर। सिर्फ सोनू और बाकी सब तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ क्लास में सिर्फ वीडियो ऑन करके मूर्ति की तरह खड़े हो गए तुम लोग। हाँ जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ सोनू देगा। ठीक है सोनू बेटा, तुम ही जवाब दो, मैं उन्हें से कुछ उम्मीद भी नहीं रखता। बोलो क्या होगा? वेरी गुड सोनू बेटा, एकदम राइट आंसर तुमने दिया है। और तुम लोग कुछ सीखो उससे। धन्यवाद सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर ने मुझे सस्पेंड करके अच्छा नहीं किया। चलो प्लान के हिसाब से मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, पर सोचता हूँ क्या किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया, रामू चौरसिया। चलो नाम परफेक्ट है, सब चीज़ हो गया। अब जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हो गया क्लास ज्वाइन। अरे ये कौन है? रामू चौरसिया? ये रामू चौरसिया कौन है? रामू चौरसिया जल्दी से वीडियो ऑन करो, जो भी हो तुम वीडियो ऑन करो, जल्दी वीडियो ऑन करो। अरे सर वीडियो ऑन नहीं करेंगे सर, आपको परेशान के लिए तो हम आपको परेशान करने के लिए तो हमने इस जाल बिछाया है। एक बात बताइए सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब देखो तो हमका पढ़ाते हो लिखा इतना अच्छा शिक्षा देते हो, वो तो पैसा जो आता है क्या करते हैं, अपना खोपड़िया में घुसा देते हो क्या? खोपड़िया नहीं है दिमाग में? हाँ ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम और कहाँ से मेरे क्लास में घुस गए और इतनी बकवास किए जा रहे हो? अभी तुम्हें बताता हूँ, रुको, जाओ क्लास से बाहर। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे यार, इस सर ने मुझे निकाल दिया, कोई बात नहीं, अब इस सर को परेशान करने के मैं कुछ भी करूंगा। अब ये नाम तो नहीं चली, अब मैं ऐसा नाम लेके जाऊंगा जो इस सर को बहुत परेशान कर देगा। आई लाइक इट। अरे ये कौन है फिर से? पागल हूँ मैं। सर मुझे तो ये बात सब पहले से ही पता थी कि आप पागल हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो चलो स्टूडेंट्स, तो मैं तुम सबका अटेंडेंस लूंगा, तो ध्यान से यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखो। ओके सभी लोग ध्यान से यहाँ देखें। सोनू प्रेजेंट सर। ईशांत अरे सर रुक जाइए सर, मैं ब्रश करके आता हूँ, बस 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। क्या तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया है? इतने देर से क्या कर रहे थे? आपके घर में चौकीदारी कर रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे सर ठंडी का मौसम है ना, इसलिए जल्दी आंख नहीं खुलती। बस सर बस 2 मिनट में, सर बस 2 मिनट में ब्रश करके आया सर, प्लीज 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 सर, बस 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। ओके गो। आता हूँ सर, आता। 2 hours later। आज मम्मी ने पराठे बड़े टेस्टी बनाए थे, खाकर एकदम मजा आ गया। पर 1 मिनट, मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? ओ माय गॉड, मुझे तो क्लास अटेंड करना था, जल्दी चलता हूँ। सर आप क्लास शुरू कर सकते हैं, जल्दी से शुरू कर लीजिए क्लास। अरे शांत तुम आ गए,
तो आज इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में ध्यान देंगे, ओके? मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ओके, और समझो। तो शुरू करते हैं क्लास। और तुम सबको मैं एक बात बता दूं कि जब मेरी क्लास हो रही है तो तुम लोग सब ध्यान पूर्वक मेरी क्लास में ध्यान दोगे, और कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी बदमाशी मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें क्लास में स्ट्रिक्टली अच्छी तरह से पढ़ो, ओके? चलो शुरू करते हैं क्लास। शांत, आई लाइक इट। ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया। अरे छोड़ो, अभी जाके ग्रोन के साथ गेम खेलूंगा। क्लास तो खत्म। यस। अरे आज तो क्लास है, पर क्या करूं, कितना बोरिंग क्लास है। आइडिया, मैं रोहन को कॉल करता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर क्लास को बंद करेंगे और साथ में पार्टी करेंगे। बहुत मजा आएगा। चलो इसको फोन लगाता हूँ। अरे यार कितना बोरिंग लग रहा है। हाँ हेलो रोहन, सुन तू मेरे घर आ जा, मैं जानता हूँ तुझे भी क्लास करने का मन नहीं हो रहा है। मन की बात छीन ली, मुझे भी क्लास करने का मन नहीं कर रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं तेरे घर में आ जाता हूँ, उस पर हम दोनों मिलके खूब शानदार पार्टी करेंगे। हाँ दोनों मिलके पार्टी करेंगे। अच्छा आ जा, जल्दी आ जा, मैंने मम्मी से भी पूछ लिया कि रोहन आ रहा है। ठीक है तुम आ जाओ। 2 hours later. क्या हो गया अब? क्या यार, यहाँ पार्टी करने आया है तो इतना बोर कर रहा है मुझे, तो खुद फोन करके बुलाते हैं पार्टी का, अब क्या मजाक है ये? जब देखो उधर उधर इधर है, तेरा कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आता मुझे। रोहन क्या हो गया? कोई ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम। तू पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे पापा वहां खड़े हैं? सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप लोग ने अभी तक मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोग को इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हम लोग जरूर बनाएंगे। हमें पता था कि पार्ट 2 आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो पार्ट 2 आ चुका है। और अगर आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो हमें नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। यस, सो गाइस चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी फैबुलस एंड कीप वॉचिंग इंडियन फैबुलस बॉयज। जय हिंद।